माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बैक गले में मटका गला बनाऊंगी और उसमें डोरी लगा के दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 7.5 इंच चौड़ी बकरम ली है और इसको फोल्ड कर दिया है। ये गला जो है 8.5 इंच तैयार करना है, तो मैं यहाँ 9 इंच पे बकरम पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ ऊपर से 2.5 इंच, 5 इंच गले की चौड़ाई रखनी है, 2.5 इंच पे ये 2.5 इंच पे ये बकरम का खुला हिस्सा है और इस तरफ बंद हिस्सा है। ये मैंने 9 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ाई में ये निशान लगाया है। अब इसमें भी मटका गला बनाना है, तो यहाँ 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमने गोलाई करनी है और यहाँ से इसको मटके की शेप देनी है। यहाँ मैं ये 1 इंच पे यहाँ निशान लगाऊंगी गोलाई के लिए, और इसको गोलाई की शेप देनी हमने एकदम गोल। ये ऐसे मैंने इसमें गोलाई दी है और यहाँ फिर ये आधे पे निशान लगा, यहाँ से हम इसको ऊपर से ये शेप दे देंगे। अब इसको काट लेंगे, इसको अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये कैंची की नोक से इसको आगे से काटते हैं, पर मेरी ये कैंची सही नहीं चल रही, इसलिए मैं इसको अब हम यहाँ से ये इसको अलग कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ से 1.5 इंच बुकरम रख के, 1.5 इंच बुकरम रख के ये एक्स्ट्रा बुकरम को भी यहाँ से भी निकाल देंगे। ये हमारा मटका गला कट गया है, अब इसको हम कपड़े पे लगाएंगे। ये मैंने ये बकरम से बड़ा कपड़ा और चौड़ा कपड़ा लिया है, कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ कपड़े में ज्वाइंट लगा लिया है। अब ये इसमें हम यहाँ पे 1 इंच इधर छोड़ के और 1 इंच इधर, 1.5 इंच इधर छोड़ के यहाँ पे 1.5-2 इंच कपड़ा छोड़ना है साइड में। ये यहाँ निशान हम लगाएंगे, फिर यहाँ 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये बीच का हिस्सा हम 5 इंच रखेंगे कपड़े को, ऊपर से सीधा रखना है इसको। अब हम ऐसे सी लेंगे, इसको हमने ऐसे सिलना है। बकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है,
अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। फोल्ड करने के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा साइड में रखना है, बाकी कपड़ा काट देना है। यहाँ पे एक दो बाहर कट लगा देंगे गोलाई में, जिससे ये जल्दी फोल्ड होगा, अच्छे से खींचेगा नहीं। अब ये कपड़ा हम इस पर साइड का कपड़ा इस पर फोल्ड करके सिल देंगे। ये मैंने साइड का कपड़ा इस पर सिलाई कर दिया है। अब ये पीछे का हिस्सा हमारा कुर्ती का है, इस पर ये गला लगाना है। ये मैंने यहाँ 2.5 इंच पे ये कट लगा रखा है और इस पर प्रेस कर रखी ताकि बीचों बीच निशान प्रेस का हो जाए। ये इस तरह यहाँ पे हम चौक से भी निशान डाल लेंगे। और ये जो इसका है इस पे भी बीच में से निशान डाल लेंगे। अब इसको इस पे सिलाई करना है। सिलाई करने से पहले ये जो कपड़ा है हमारा, इस पे हम यहाँ 2 इंच पे ये निशान डालेंगे इधर, और यहाँ भी ऊपर से 2 इंच पे यहाँ पे हमने डोरी डालनी है। ये यहाँ हमारी डोरी आएगी। डोरी मैंने पहले से ही तैयार कर ली है। अगर आपने डोरी बनाना सीखना है तो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप डोरी बनाना सीख सकते हैं, मेरा पिछला वीडियो देख के। ये डोरी को हम इधर रखेंगे इस निशान के। दो बार हम ये जो सिलाई हम लगाएंगे बकरम के नीचे नीचे साथ साथ में लगाएंगे, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ बीच से इस कपड़े को हम मिलाते रहेंगे, बिल्कुल बीच में हमारा ये आना चाहिए। यहाँ बीच से हम ऐसे मिला के इसको ऐसे पकड़ेंगे। आप चाहे तो बीचों बीच पहले सिलाई भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप गला सेट करते हैं आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ये यहाँ हम इधर भी डोरी डाल लेंगे जो हमने निशान लगाया उसके नीचे। इसके बाद हम यहाँ थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के बाकी कपड़े को काट देंगे।
और यहाँ पे हम सारे में कट डाल लेंगे। कट से क्या है, जल्दी फोल्ड हो जाएगा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। कट आगे से नोक से लगाते हैं, पर ये मेरी नोक काम नहीं कर रही कैची की, इसलिए मैं बीच से कट ध्यान से लगाना है कि धागा ना कटने पाए। अब इसको हम ये सीधे में ऐसे पलट के यहाँ सीधी तरफ किनारी से थोड़ा सा इस तरफ सिलाई लगाएंगे, इससे इसकी मजबूती भी आएगी और फिनिशिंग भी। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है। ये गला आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना है, और ब्लाउज़ में ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। ये आज मैंने आपको मटका गला विद डोरी के साथ बना के दिखाया है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर ले, ऐसे ही मैं आपको और भी डिज़ाइन बनाकर दिखाती रहूँगी। थैंक यू।